बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बाबर सिद्दीकी के बेटे जीशान भी आरोपियों के निशाने पर थे। आरोपियों को जीशान और बाबर सिद्दीकी दोनों को मारने की सिफारिश दी गई थी। हमलावरों को आदेश था कि अगर एक साथ दोनों पर हमला ना हो तो जो भी सामने मिले उसे निपटा दो। पुलिस ने हरियाणा के गुरमेल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया है, जिनमें से गुरमेल का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पुलिस ने प्रवीण लोटकर को पुणे से गिरफ्तार किया है, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर हत्याकांड में 3 शूटरों में से 2 की मदद की थी। अब पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। अक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इनमें से एक जीशान अख्तर पंजाब के जलंधर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद जीशान अख्तर 3 शूटरों को निर्देश दे रहा था। इसी साल 7 जून को वो जेल से बाहर आया था। साल 2022 में जीशान अख्तर को हत्या और डकैती के केस में गिरफ्तार किया गया था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.